अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस। बेसिकली क्रिस्टल लेटिस क्या चीज है, इसको पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं क्रिस्टल क्या चीज है। क्रिस्टल बेसिकली सॉलिड को कहा जा रहा है। हमारे पास कोई सॉलिड होता है, हम उसको यूज करना चाह रहे हैं अपने किसी पर्पस में, लैब के अंदर, घर में, या किसी भी सेंसेस में, किसी काम में यूज करना चाह रहे हैं, तो पहले हमें उस क्रिस्टल, उस सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम उसको उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। तो अगर हम किसी सॉलिड का या किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल के, सॉलिड के स्ट्रक्चर के ऊपर। और जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उसमें मजीद जब हम डीपली जाते हैं तो हमारे पास एक बात आती है जिसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल लेटिस का। जब हम किसी सॉलिड या किसी क्रिस्टल का एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास उस सॉलिड के जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एक अरेंजमेंट आती है हमारे सामने। उस अरेंजमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस जो एरे आता है, जो अरेंजमेंट आती है एक्सरे एनालिसिस के जरिए, उन अरेंजमेंट्स को हम नाम दे देते हैं क्रिस्टल लेटिस का। हमारे पास बहुत सी अरेंजमेंट्स आ जाती हैं, उस लिहाज से आगे हम सॉलिड की टाइप्स भी बनाते हैं, सॉलिड की, क्रिस्टल्स की हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अपॉन द बेसिस ऑफ हम कहते हैं जो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस है उसकी जो अरेंजमेंट है। क्रिस्टल लेटिस हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स की अरेंजमेंट होती है। वो पॉइंट्स, वो एटम्स हैं, पॉइंट्स को हम बात कर रहे हैं एटम्स, आयन या पार्टिकल या मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल लेटिस के बाद हम बात करते हैं लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। अब वो जो पॉइंट है, वो जो एटम है, वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है, वो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर जिस अरेंजमेंट के साथ मौजूद होते हैं, उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइट्स का नाम भी दिया जाता है। इन्हीं के आगे मजीद इनकी डिवीजन होती है ब्रेविस लेटिस के अंदर भी मजीद इनको डिवाइड किया जाता है, ताकि मजीद स्ट्रक्चर को एलैबोरेट किया जाए, मजीद स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सेल के ऊपर। यूनिट सेल बेसिकली क्या है हमारे पास, यूनिट सेल एक छोटा पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है पूरे सॉलिड का, पूरे क्रिस्टल का, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो पूरे एंटायर क्रिस्टल, पूरे एंटायर जो हमारे पास एंटायर सॉलिड है उसके अंदर जो मौजूद प्रॉपर्टीज है वही क्रिस्टल, यूनिट सेल के अंदर भी प्रॉपर्टीज वही होती है। और बेसिकली अगर हम सॉलिड को पढ़ना चाहते हैं, अगर हम क्रिस्टल को पढ़ना चाह रहे हैं, तो यूज करना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली बात करेंगे यूनिट सेल के ऊपर। तो यूनिट सेल बेसिकली क्रिस्टल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट जो उसका होगा, जिसकी मदद से मिलके पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, पूरा सॉलिड बना हुआ है, उस एक छोटे से हिस्से को, छोटे पार्ट को, जिसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के ऊपर। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, यूनिट सेल के ऊपर, क्रिस्टल लेटिस के ऊपर या लेटिस पॉइंट, इन तमाम बातों को कवर करने के लिए हम जिन चीजों का सहारा लेते हैं, जिन चीजों के ऊपर बात करते हैं, जिन एलिमेंट्स का जिक्र करते हैं, वो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं। बेसिकली उन तमाम पॉइंट्स, उन तमाम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास होती है लेंथ होती है और एंगल्स होते हैं। वो जो लेंथ है हमारे पास, एक लेंथ होती है, हम क्योंकि 3D बात करते हैं क्रिस्टल की, जब हम बात करते हैं तो हम 3D बात करते हैं। 3D के अंदर हमें पता है तीन एक्सिस आते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। तो इन एक्सिस के ऊपर जो लेंथ होती है, हमारे पास तीन लेंथ होती है, जो एक्स एक्सिस पे होती है हम उसको ए लेंथ का नाम दे देते हैं, जो हमारे पास वाई एक्सिस पे लेंथ होती है उसको हम बी का नाम दे देते हैं, जो Z एक्सिस के ऊपर लेंथ होती है उसे हम सी का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास तीन एंगल्स भी मौजूद हैं। कौन कौन से एंगल हैं, अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स हैं, जो कि डिफरेंट लेंथ के दरमियान में बन रहे होते हैं। तो ये जो थ्री लेंथ और थ्री जो यूनिट एंगल्स हैं, बेसिकली ये सिक्स जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ये सिक्स पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को ही पढ़ते हुए, इन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे यूनिट सेल की,
यूनिट सेल्स के ऊपर बात करते हुए हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की, और क्रिस्टल लैटिस से आगे हम मजीद स्टडी करेंगे हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, हम उन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो सेवन क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उनके बारे में मजीद बात करेंगे। सर, जिस तरह हम लोग आमतौर पर जिस्म का एक्सरे करते हैं और उसके नतीजे में जो जिस्म के पार्ट्स आते हैं, हम उन पार्ट्स को जज कर लेते हैं ये कौन सा पार्ट है, क्या एलिमेंट्स भी ऐसे होंगे? मतलब एलिमेंट्स का जब एक्सरे करेंगे तो आपने बताया कि वो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर में एक्सरे के नतीजे में नहीं आएंगे बल्कि पॉइंट्स आएंगे, तो पॉइंट से कैसे जज कर पाएंगे ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा क्रिस्टल है? बेसिकली जो उनकी अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के जरिए ही हम बता सकते हैं, हमने ऑलरेडी बता दिया क्रिस्टलो, मतलब के जो पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स की अरेंजमेंट, उन पॉइंट्स की अरेंजमेंट के जरिए जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं उनकी अरेंजमेंट, हम हमारे पास जो क्रिस्टल है हमें पता होगा इसके अंदर कौन कौन से एटम्स है, उनकी अरेंजमेंट के जरिए ही हम आगे बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट करता है। जी, तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस जैसे हम पहले बता चुके हैं, जो हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को, जो पैटर्न आता है एटम आयन मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट का, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, क्रिस्टल लैटिस का। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स आर लैटिस साइज रिप्रेजेंटिंग एटम आयन आर मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, एक क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, उसको अरेंज, उनकी पोजीशन को बताने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए जिन पॉइंट्स को यूज किया जाता है वो उन पॉइंट्स की अरेंजमेंट, उन पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। ठीक है, अरेंज एट ए डिफरेंट साइड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब हमने फिर बता देते हैं कि एक क्रिस्टल है हमारे पास, उसके एटम आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन को बताने के लिए, उसका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हमने सहारा लिया है, हम बात करते हैं पॉइंट्स की मदद से, उन पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होती है उन पॉइंट्स की अरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं क्रिस्टल लैटिस। और ये जो अरेंजमेंट होती है ये 3D होती है। ठीक है, 3D एक्सप्लेन किया जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, उस लिहाज से हम इसकी बात कर लेते हैं इन थ्री डिमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। फिर हमने बात की है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स क्या है, तो वही पॉइंट्स जिनकी हमने अरेंजमेंट को नाम दिया क्रिस्टल लैटिस का, वही पॉइंट्स जो है जो एटम आयन मॉलिक्यूल की पोजीशन के बारे में बताते हैं, वही पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स होते हैं। ठीक है, हमने लिखा है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम आयन और मॉलिक्यूल आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशन इन स्पेस, एटम आयन मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल के हैं सॉलिड के, वो एक जगह पे हैं, तो these positions are represented by points in a crystal, तो हम उन एटम की, उन आयन की, उन मॉलिक्यूल की पोजीशन को बताने के लिए हमने पॉइंट यूज किए और वो पॉइंट्स बेसिकली इन एटम आयन को बताते हैं। These points are called as lattice point or lattice site. वो जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स कहलाते हैं। The arrangement of point in a crystal in a crystal is called crystal lattice or space. ये बात हम पहले बता चुके हैं। वो points क्या कहलाते हैं, lattice points या lattice sites कहलाते हैं। जबकि उनकी जो arrangement है, उनकी arrangement को हम नाम देते हैं crystal lattice का। हाँ, तो हम बात करेंगे unit cell के ऊपर। unit cell basically क्या है? ये पूरे crystal का representative part होता है, जो पूरे क्रिस्टल को एक्सप्लेन करता है, एलैबोरेट कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो पूरे क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो हमने लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। ठीक है, पूरे क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पार्ट के अंदर मौजूद होती है उस पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल का। It means that unit cell is the smallest blob or geometrical figure of the crystal
लेटस, क्रिस्टल लेटस का जो छोटा पार्ट है, जो उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर है या स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, जिस तरह हम बात करते थे पूरे घर को बताने के लिए हम एक एक ईंट का सहारा लेते हैं, पूरे घर की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो पूरे घर को बताने के लिए एक ईंट को यूज किया जाता, तो ईंट बेसिकली क्या है, पूरे घर के लिए यूनिट सेल के तौर पर बिहेव करती है। ऐसे पूरा जो क्रिस्टल होगा, पूरा जो सॉलिड होता है, उसके अंदर भी एक पूरा एक स्मॉल यूनिट होता है जो पूरे क्रिस्टल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। उस पूरे क्रिस्टल को एक्सप्लेन करने वाले ब्लॉक को, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल का। द एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ड अप बाय रिपीटिंग इट इन ए थ्री डायमेंशन। हम यूनिट सेल को बार बार थ्री डायमेंशनली रिपीट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं, लेफ्ट और राइट अरेंज करते हैं, टॉप और या अप एंड डाउन उसको अरेंज करते हैं। तो जब आप थ्री डायमेंशनली उसको अरेंज कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं बहुत सारे यूनिट सेल को, तो हमारे पास एक इंटायर क्रिस्टल जो है वो बिल्ट अप हो जाता है। जिस तरह ईंटों की मदद से हम घर बनाते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, यूनिट सेल की मदद से हम पूरा क्रिस्टल बना रहे होते हैं। इट शोज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन क्रिस्टल। तो इसके अंदर यूनिट सेल है, इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज वही होती है जो पूरे क्रिस्टल के अंदर मौजूद होती है। The complete information about the crystalline structure is present within a unit cell. पूरे unit cell के अंदर इसकी information होती है पूरे crystal की, which repeat itself in 3D to form a crystal. जो पूरा जो unit cell है वो अपने आप को बार बार repeat करते हुए entire crystal बनाता है। उस unit cell के अंदर सारी की सारी पूरे crystal की information, पूरे crystal की जो properties है वो मौजूद होती है। Crystallographic elements, हम जो पढ़ने क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बेसिकली क्या हैं, वो वाले तमाम पैरामीटर्स जो एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं। हमें पता है क्रिस्टल जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूबिक फॉर्म में है, तो क्यूबिक फॉर्म के अंदर क्रिस्टल है तो उसके अंदर तीन लेंथ होती है, ठीक है, एक लेंथ होती है, एक हाइट होती है और एक विड्थ होती है। वो तीन लेंथ और इसके अलावा उसके अंदर बनने वाले तीन एंगल, एक क्यूबिक क्रिस्टल की फॉर एग्जांपल हम एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं, उसके अंदर तीन लेंथ मौजूद होंगी और तीन लेंथ एक दूसरे के साथ डिफरेंट एंगल्स बनाती है। अब वो तीन लेंथ और बनने वाले तीन एंगल्स, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। और बेसिकली क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट वो चीजें हैं जो हमें एंटायर क्रिस्टल के बारे में या यूनिट सेल के इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट को यूज करेंगे तो यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन, यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन से आगे हम क्रिस्टल लेटस की इंफॉर्मेशन, क्रिस्टल लेटस के आगे हम पूरे एंटायर क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ए क्रिस्टल लेटस आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ ए यूनिट सेल। तो अगर यूनिट सेल के साइज या शेप की बात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट का सहारा लेते हैं। ए यूनिट सेल, ए यूनिट हैज सिक्स पैरामीटर कॉल्ड सेल डायमेंशंस आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल के अंदर सिक्स पैरामीटर्स होते हैं, इन सिक्स पैरामीटर्स को नाम देते हैं सेल डायमेंशंस का या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का। दीस सिक्स पैरामीटर्स आर शोन इन फिगर। अगर हम इसको सिक्स पैरामीटर्स को क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स को डायग्राम के अंदर देखते हैं तो ये क्यूबिक क्रिस्टल हमने बनाया हुआ है। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ये लेंथ है जो बेसिक लेंथ है हमारे पास, इस लेंथ को हमने नाम दे दिया है ए का, और जो हमारे पास इसकी हाइट है, इस हाइट को हमने नाम दे दिया है बी का, और जो हमारे पास इसकी विड्थ आ रही होती है उस विड्थ को हमने नाम दे दिया है सी का। एक ये भी हमारे पास सी है, इसी तरह ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये वाली लाइन है ये भी सी है, इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, सी को, और ये वाली लाइन बी जो है सी को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास तीन लेंथ ये हैं ए बी और सी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ए और सी के दरमियान एंगल बनता है वो कौन सा है, बीटा एंगल है हमारे पास। इसी तरह सी और बी के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम नाम दे देते हैं अल्फा एंगल का, और जो ए और बी के दरमियान में एंगल बनता है उसे हम नाम दे देते हैं गैपा एंगल का। तो ये थ्री लेंथ और थ्री एंगल, उनको हम जो लेंथ हमने कहता है यूनिट सेल लेंथ, और जो एंगल होते हैं हमने कहता है यूनिट सेल एंगल। ये भी थ्री है और ये एंगल भी कितने, थ्री। इन
सिक्स पैरामीटर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट का नाम दे रहे हैं। जो हमारे पास ये टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, और जब हम इन तीन छह चीजों की बात कर लेते हैं, सिक्स पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, तो पूरे इंटायर यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन मिलती है। यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन से आगे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस से आगे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है हमारे पास क्रिस्टल है पूरा जो सॉलिड है। हम बात कर लेते हैं हमारे पास तीन यूनिट लेंथ है, जो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस होती है ए का नाम दे रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के अराउंड होती है उसे हम ए का नाम देते हैं, जो वाई एक्सिस के अराउंड है उसे हम बी का नाम देते हैं, जो जी एक्सिस के अराउंड है उसे हम सी का नाम देते हैं। तो ये तीन लेंथ हमारे पास जिनको हम लोगों ने ड्रॉ भी किया होगा। और इसी तरह हमारे पास यूनिट सेल एंगल्स की बात करते हैं, जो लेंथ ए और बी के दरमियान में है वो है गामा एंगल है, जो लेंथ ए और सी के दरमियान में है वो बीटा एंगल है, और जो लेंथ बी और सी के दरमियान में है वो अल्फा एंगल है। तो इन सिक्स पैरामीटर्स, सिक्स क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट की मदद से हम किसकी बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल से आगे ओवरऑल हमें क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे और इन्हीं सिक्स पैरामीटर की मदद से हमने आगे सेवन क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करना है। सेवन क्रिस्टल्स सॉलिड की जो हमने अरेंजमेंट के लिए आपसे टाइप्स बनाई है, क्लासिफिकेशन की है, वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम है। और वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बेसिकली इन्हीं सिक्स पैरामीटर के ऊपर बेस करते हैं। तो हम इंशाल्लाह वहां पर बात करेंगे इन्हीं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के बारे में।